आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं और उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा संस्कृति विश्वविद्यालय जो एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको हम स्टेट का हम लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है और वहां पे हम लोगों ने वो यूनिवर्सिटी भी वहां काम करने शुरू कर दी है। आजमगढ़ में आजमगढ़ की जनता ने एक भोजपुरी फिल्म एक्टर को वहां से सांसद बना के भेजा, तो वहां हम एक संगीत महाविद्यालय वहां भी बनाने जा रहे हैं।